बूढ़ी रमा जो कि 15 साल से बिस्तर पर थी, उनको देख कर लगता था कभी बहुत ही खूबसूरत, होशियार व अपने समय की शिक्षित रही होगी, पर अब तो वह दूसरों पर ही निर्भर थी। हालांकि भरा पूरा परिवार था, 4 बेटे 4 बहुएं, उनके भी बच्चे, पर वह तो शायद अभागिन रुचिका की ही जिम्मेदारी थी। रुचिका रमा की बेटी सुखदा की बेटी थी। सुखदा और उसके पति की एक दुर्घटना में चल बसे थे। नानी रमा अपनी इस बेटी की निशानी को अपने साथ ले आई। बहुत छोटी रुचिका मामियों की आंखों का कांटा थी, पर उस समय रमा के पति जीवनलाल जिंदा थे। वह सरकारी ओहदे पर थे, उनके सामने कोई बोल नहीं पाता था। धीरे धीरे रुचिका बड़ी होने लगी। जीवनलाल को दिल का दौरा पड़ा और वह ईश्वर के पास चले गए। रमा ने भी बिस्तर पकड़ लिया। सारा काम रुचिका के ऊपर आ गया। वह पढ़ने में होशियार थी। उसकी पढ़ाई के खर्चे के लिए जीवनलाल ने पहले से ही बैंक में रुपए डिपॉजिट कर दिए थे। फिर भी मामियाँ उसको घर के काम में उलझा देती, जिससे वह अपनी पढ़ाई छोड़ दे। पर रुचिका बहुत होशियार और सहनशील थी। नानी रमा बिस्तर में जरूर थी, फिर भी वह हर बात पर नज़र रखती थी। रुचिका बहुत प्यार से नानी को नहलाती, खाना खिलाती, उनकी दवा का समय से ध्यान रखना, रात को उनके पास बैठकर पढ़ाई करना, यह उसकी दिनचर्या थी। रुचिका का पोस्ट ग्रेजुएशन का अंतिम पेपर था। नानी की सलाह से ही कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के कंपटीशन के पेपर भी दिए थे। मेरे भाई बहन भी रुचिका को परेशान करने में पीछे नहीं थे, पर लाचार नानी उसकी शक्ति थी। कुछ हफ्तों से रमा की तबीयत कुछ अधिक खराब थी। रात को रमा रुचिका से बोली, बिटिया तूने मेरी दिवंगत बेटी की कमी पूरी की है। शायद वह होती तब वह भी मेरी इतनी सेवा नहीं करती। तेरे नाना कहते थे रमा ये चारों नालायक हैं, बस पैसे के लिए मुझसे डरते हैं। मैं तुझे और इस नन्ही जान को सशक्त कर जाऊंगा, जिससे इनके ऊपर तुम आश्रित ना रहो। आज रमा कुछ अधिक बेचैन थी। वह रुचिका से बोली, जरा मेरी संदूकची निकाल। रुचिका बोली, नानी आपकी कौन सी संदूकची है? तब रमा ने कहा, सामने अलमारी खोल और सबसे नीचे का पत्थर हटा। जब रुचिका ने पत्थर हटाया तब उस पत्थर के पीछे एक और खाना था, जिसमें एक छोटी सी संदूकची थी। रुचिका सोच रही थी, जब मुझे नानी लाई मैं केवल 4 साल की थी, अब मैं 24 साल की हूँ। आज तक इस अलमारी का पता नहीं था। वह उस संदूकची को लेकर रमा के पास आई। रमा ने एक लिफाफा दिया और कहा, यह किसी को दिखाना नहीं, संभाल कर रखो, मेरा कल का भी पता नहीं, और अपने मामा व अन्य सदस्यों पर विश्वास मत करना। 2 दिन बाद बैंक की प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आ गया और उसमें रुचिका का चयन हो गया। रुचिका जल्दी से रमा के पास आई, बोली, नानी अब मेरी नौकरी पक्की, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। रमा ने अपने हाथ उठाए उसको आशीर्वाद देने के लिए, उठाए बस सर पर रखा और स्वयं का सर एक और लुढ़क गया। रुचिका उन्हें हिलाने लगी और चिल्लाने लगी। घर के सब सदस्य एकत्रित हो गए। रुचिका रो रही थी, पर अब नानी कहाँ थी? शायद उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। उनके क्रियाकर्म की तैयारी होने लगी। चारों बेटे और चारों बहुओं में कानाफूसी शुरू। देखो बुढ़िया के कमरे में मकान के कागज, पैसा और बैंक की किताब कहाँ है? रुचिका को तो अपना ही होश नहीं था। जिंदा पर तो रमा के कमरे में कोई जाता नहीं था, पर अब एक एक करके जा रहे थे, पर वहाँ कुछ था ही नहीं। बस कुछ नकदी और कुछ सोने के आभूषण मिले, घर के कोई कागज नहीं मिले। जब सब कार्यक्रम खत्म हो गए रुचिका भी अपनी सर्विस के लिए जाने लगी। तब उसने अपना सामान रखने के लिए बक्सा खोला, नानी का लिफाफा दिखाई दिया। उसमें एक 10 लाख रुपए की FD और मकान की वसीयत उसके नाम निकली। रुचिका के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सोच रही थी, नानी मैंने इस धरोहर के लिए आपकी सेवा नहीं की थी, मुझे तो बस आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए था। उसने दूसरे दिन जाते समय सबको बताया कि रजिस्टर्ड वसीयत मकान की उसके नाम है, पर मैं यह भी नहीं चाहती कि आपसे झगड़ा करूँ। हालांकि आप लोगों ने मेरे और नानी के साथ निरंतर दुर्व्यवहार ही किया था। आप लोग अपना ठिकाना ढूंढ लीजिए। मैं इस मकान को अनाथ लाचार बुजुर्गों के लिए समर्पित कर रही हूँ, और जो रुपए हैं वह उन सब की सहायता के लिए हैं। मुझे नानी की सेवा का फल मिला है। मैं चाहती हूँ ऐसे ही मैं अपना कर्म करूँ और सब बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिले। दोस्तों आपको क्या लगता है,
क्या रुचिका की नानी ने सही किया और उसके बाद जो उसके साथ व्यवहार किया उसको देखते हुए क्या रुचिका ने अपने मामा मामी के साथ सही किया। आपके इस बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में